आज 19 जून 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है सुबह 11:02 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है सुबह 10:31 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि। आज भद्रा है सुबह 11:02 से रात 11:27। मेष राशि वाले कई तरह की संभावनाओं को आप टटोल रहे हैं पर फिर भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कभी दो कदम पीछे हटा रहे हैं, इसलिए फैसला लेने में कमी हो सकती है। जबकि हर तरह से आपके लिए अच्छी परिस्थितियां हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सके। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने से फैसले लेने में मदद मिल सकती है। क्या करना चाहिए समय? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का और अपने प्रदर्शन को सुधारने का समय आ गया है, ताकि हालात भी आपकी उसी रूप से मदद करते चले जाएं। अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को संवारा जा सकता है, फिर भी बदलता हुआ समय है और किसी भी तरह के नए काम में हाथ डालने से बचना ही। वृषभ राशि वालों का भरोसा बढ़ेगा तो आपकी मेहनत भी जगेगी और उस समय वही अच्छाई आपको लोगों से आगे रहने में मदद भी कर रही। किसी भी विचार विमर्श में विचारों का मतभेद उभर सकता है, इसलिए अपने व्यवहार को बहुत धीमा कर लेने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपने पैसे को इस रूप से संभालना होगा कि आप कोई ना कोई अच्छा निवेश भी करते चले जाएं और अपनी बचत को भी बढ़ाते चले जाएं। समृद्धि का रास्ता लंबा भी होता है और धैर्य भी मांगता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपके प्रयास जो है वो सराहनीय है। मिथुन राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय इसलिए है क्योंकि आप बिना सोचे समझे अपने कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। चाहे पैसे से जुड़े फैसले हों या रिश्तों से जुड़े फैसले हों, जल्दबाजी में उठाए गए कदम आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? मुश्किलों की वजह से भी आपके अंदर नई प्रेरणा जग रही है और आपकी मेहनत उभर कर आ रही है, इसी से आपका भरोसा जगेगा और आप कुछ बेहतर करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। अपने काम और कारोबार में फिर से निवेश करने का समय बन रहा है। कर्क राशि वालों के लिए धन का आगमन भी बना हुआ है और खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़े हुए हैं। इस बात को समझेंगे तभी जिंदगी का तालमेल बन पाएगा, क्योंकि अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं हो। क्या करना चाहिए समय? लोगों से उलझेंगे तो लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बिठाते चले जाने से बचना होगा। अपने आसपास के हर व्यक्ति की अच्छाई की ओर देखें ताकि आपसी तालमेल को सुधारने में मदद मिल सके। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति इस रूप से सुधर रही है कि आपको बड़ी सफलता या बड़ी तरक्की मिल सकती है, पर आप किसी एक विचार को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखा रहे हैं जिसमें कोई ना कोई खतरा छुपा हुआ भी हो सकता है। बदलता हुआ समय है जिसमें स्थिरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? किसी मुश्किल भरी परिस्थिति से भी आपको लाभ हो सकता है, फिर भी मुश्किलों को बुलावा देते चले जाने से बचना होगा। रिश्तों को भी बहुत सहजता से ही संभाला जा सकेगा। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और कामकाज से भी हर तरह का लाभ बना हुआ है। काम या कारोबार में बड़ी तरक्की पानी है तो खुद पे भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि आपके मन में उठता हुआ तूफान आपकी घबराहट को बढ़ा रहा है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों के प्रति असंतोष बढ़ेगा तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। अपनों से दूरियां बढ़ेंगी तो आप कोई बड़े फैसले करना चाहेंगे और इस समय ऐसे किसी भी तरह के फैसले से दूर रहना ही बेहतर। तुला राशि वाले समझ लें कि अगर विचारों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लचीलापन बना रहे तो किसी भी तरह की मुश्किल को संभालना आसान होता है। इस समय आपसे यही नहीं हो पा रहा, आपने अपने विचारों को इस समय इतना सख्त बना रखा है कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कामकाज से जुड़े दबाव भी बेकाबू हो सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में किसी ना किसी तरह का तनाव हो सकता है और फिर भी आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है क्योंकि हालात आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में रिश्तों को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। लाभ कमाना अच्छी बात है पर अपनों को खुश रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और उसके पीछे भी आपकी बहुत सारी अच्छाई छुपी हुई है। काम और काम से बनता हुआ लाभ मध्यम पड़ चुका है पर आप अपनों को खुश करने के प्रयास में
उनकी हर तरह की जरूरत को पूरा भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए सर? देखिए, इस समय आपकी कोशिशें ऐसी होनी चाहिए जिसमें रिश्तों का तालमेल बेहतर हो जाए, पर आपकी कोशिशों के बावजूद ये कमी भरा क्षेत्र है और आपके प्रति लोगों की आलोचना फिर भी बनी हुई है। इसी कमी को दूर होने में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। धनु राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बचत संभली हुई होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आमदनी को किसी तरह के खतरे में डालते चले जाए। वैसे भी खुद की बनाई हुई गलतियों का समय है जिसमें विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? अपना बड़प्पन दिखाएंगे तो लोग इस अच्छाई को समझ पाएंगे, इसलिए लोगों की बात ज्यादा सुननी होगी और उनके हित की बात करनी होगी। समस्या यह है कि आप अपनी बातों में उलझे हुए हैं और इस वजह से लोगों से तालमेल बिगड़ता चला जा रहा है। मकर राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का बहुत मन है, पर किसी पे कोई दबाव बनाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोगों को खुश करना वैसे भी मुश्किल ही होता है। क्या करना चाहिए समय? किसी भी तरह का परिवर्तन आपकी देनदारी को भी बढ़ा सकता है और आपकी मुश्किलों को भी बढ़ा सकता है, इसलिए जिंदगी की उस अच्छाई को समझें जो कामकाज की स्थिरता के रूप में आपके लिए बनी हुई है। अपनी कोशिशों में थोड़ा सा नियमित हो जाएं तो आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। कुंभ राशि वाले जितना लोगों की बात सुन लेंगे उतना ही अपनी स्थिति को भली भांति संभाल पाएंगे। घर परिवार का सुख बना हुआ है और कोई कमी नहीं है, पर विचारों का मतभेद अच्छी भली किसी स्थिति को कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को समय रहते संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोग आपको किसी ऐसे रास्ते पर चलाना चाह रहे हैं जिसमें आपके लिए छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। ऐसे में हो सकता है किसी प्यार के रिश्ते का सुख मिल जाए, पर बहुत हद तक संभव है उसके चलते आपके भविष्य पर कोई ना कोई बुरा असर आता चला जाए। इसलिए सूझबूझ बनानी होगी और गलती करने से बचना। मीन राशि वालों के लिए पढ़ लिख कर अपनी जानकारी को बढ़ाने का समय है। बहुत दूर का सोच के अपने भविष्य को लेके चिंतित होने का समय नहीं है, उसके लिए तैयारी करने का समय है, क्योंकि उस मेहनत और उस तैयारी से ही आपका भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय? काम काज के क्षेत्र में अपने वरिष्ठ लोगों से किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा, क्योंकि गलत फहमी उभर जाने का अंदेशा है जिसके चलते जिंदगी की स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है। पैसे से जुड़े किसी तकरार में पड़ने से भी नुकसान हो सकता है।